देखिए हुआ क्या है, कांवड़ यात्रा में भोजनालयों पर नाम प्रदर्शित करने पर विवाद चल रहा है। तो नाम प्रदर्शित किया उस पर विवाद किस तरीके से यहाँ पर जनरेट हुआ है, उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हाल ही में जो कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले भोजनालयों पर नाम प्रदर्शित हुआ है, इसका निर्देश निकाला गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने ऐसे निर्देश दिए हैं। इस पर उच्चतम न्यायालय ने जो है रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इस तरीके से आप नाम है प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। न्यायालय के इस अंतरिम आदेश से मालिक और तीर्थयात्री दोनों को यहाँ पर राहत मिली है, क्योंकि क्या हुआ था, सबसे मेन बिंदुओं की अगर बात करें, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि लोग मेनू के आधार पर किसी रेस्तरा का चुनाव है वो करते हैं, ना कि नाम के आधार पर। बनाने और परोसने वाले की जाति और धर्म को उजागर करने की मांग अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाली बात है। अगर यहाँ पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर यहाँ पर नाम के साथ में उनको प्रदर्शित किया जाएगा, तो इसमें जो व्यक्ति खाना बना रहा है, जो भोजनालयों में व्यक्ति खाना बना रहा है, उसके सामने आने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे अस्पृश्यता को बढ़ावा मिलेगा। और न्यायालय ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि भोजन के लिए एवं अन्यथा भी सुरक्षा मानक और धर्मनिरपेक्षता है वो ज़्यादा महत्व रखती है। मतलब अगर धर्मनिरपेक्षता को हम बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम नाम में नाम प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। तो इसको सुप्रीम कोर्ट है उसने समर्थन किया है। और राज्य सरकारों के आदेशों ने अनेक मुस्लिम कर्मचारियों के सिर पर बेरोजगारी की तलवार लटक गई है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम कर्मचारी हैं वो कांवड़ यात्रा में अपना व्यापार नहीं चला सकते, तो उनकी तलवार लटक गई थी। मालिकों को भी कर्मचारियों की कमी से परेशान होना पड़ रहा था, क्योंकि मुस्लिम कर्मचारी हायर नहीं कर पा रहे थे कांवड़ यात्रा की वजह से, तो उनको भी राहत मिल गई है। कांवड़ यात्रा के लंबे जो रास्ता है वो 244 किलोमीटर लंबा है। तो 240 किलोमीटर मार्ग पर स्थित दुकानों और व्यवसायों के लिए लाभ और आजीविका का अच्छा समय होता है, क्योंकि इसमें वो लोग व्यापार करते हैं और अच्छा सा प्रॉफिट है वो कमा लेते हैं। लेकिन इस आदेश की वजह से वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया है। इस दौरान किसी खास वर्ग को इस लाभ से वंचित करना अनुचित होगा। कई कांवड़ियों ने निर्देश की आलोचना भी की थी, और इस तरह के सामुदायिक गतिविधियों में साथियों को दबाव बहुत बड़ा होता है और एक समूह से अलग कोई कांवड़िया जाना नहीं चाहता, तो यह भाईचारा आगे चुनावों को भी प्रभावित करता है। राज्य सरकारों का निर्देश है खराब शासन और खराब राजनीति की ओर इशारा करता है, जो राज्य सरकारों ने इस तरीके का आदेश निर्देश दिया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये दिखाता है खराब राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है और खराब शासन की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये जो लेख है, ये लेख छपा है द टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो कि 23 जुलाई 2024 को छपा था, और इसको AFEIS ने तैयार किया है। हमने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आपको जो लिखा हुआ था उसको आपको ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके सुनाया है।